नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको रोहतक से दे दे, जहां पर कंसाला गांव में फायरिंग से सनसनी फैली हुई है। चिकन कॉर्नर संचालक की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मृतक के चचेरे भाइयों को भी गोली लगी है, तो दोनों को गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती करवाया गया। आईएमसी थाने में केस दर्ज करा दिया गया है, साथ ही पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो आपसी रंजिश का ये मामला हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के तहत ही इस हत्या को अंजाम दिया गया है। यानी कि आईएमटी थाने में केस अभी तक देखिए दर्ज करा लिया गया है और पुलिस जांच में फिलहाल जुट गई है। तो पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वो वजह रही थी जिस वक्त कंसाला गांव में फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद से चिकन कॉर्नर संचालक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो इस हत्या के पीछे के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन आशंकाएं जताई जा रही है। मृतक के चचेरे भाइयों को भी गोली लगी है, तो दोनों को गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल दोनों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और जो चिकन कॉर्नर के जो संचालक बताए जा रहे हैं उन्हें गोली मारी गई है। तो रोहतक से बड़ी जानकारी, कंसाला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई है। चिकन कॉर्नर संचालक की गोली मार करके हत्या कर दी गई और उनके साथ साथ मृतक के जो चचेरे भाई बताए जा रहे उनको भी गोली लगी है, जिस वजह से इनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि उचित इलाज समय रहते हुए मिल सके। तो आईएमटी थाने में केस दर्ज हो चुका है, पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की और आखिर क्या वो वजह रही थी जिस वजह से चिकन कॉर्नर के संचालक की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो पूरा मामला बताया जा रहा है कि एक चिकन कॉर्नर संचालक को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई, आखिर इसके पीछे की क्या कोई वजह का अभी तक खुलासा हो पाया है? जी सर, भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये करीब 11:30 बजे की घटना है। गांव कंसाला में एक सुनील नाम का युवक अपनी कार में था और उसी दौरान एक गांव के ही एक युवक के साथ उसकी कहासुनी हुई है और उसके बाद उसमें तहत में आके उसने फायर किया। तो उसके बाद उसने फोन पर अपने दो जो सगे भाई परिजन है उनको बुलाया, तो वहाँ उसमें सोनू और जो कुलदीप है वो वहाँ पर आए थे, तो ऊपर भी फायर कर दिया। इसमें जो सोनू है उसकी मौके पर मौत हो गई है। और आपको बताना चाहेंगे जिसमें जो घायल है कुलदीप और उनका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। अभी परिजनों के जो बयान है वो पुलिस में मामला दर्ज करेगी। अभी पुलिस मामले में गहनता की जांच कर रही है और इस मामले में पुलिस का कहना है कि शराब को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर अभी शुरुआती जांच में ये पता चला, लेकिन अभी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कारण क्या था। लेकिन अभी जो सब है अभी पोस्टमार्टम के लिए रखवा गया है और अभी उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सुरेंद्र।